कोई भी मुझ पे अकड़े अगर तो माइक में आके करना, आवाज नहीं आएगी भाई ब्लॉग में। हमारे भाई दुबई से आए हुए हैं, रामपुर में आके लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। ये ईटेबल स्टेरॉइड है, ये है स्टेरॉइड। डंबल मार जगह टू डंबल नग्न बहुत कीमती चीज गिव अवे करने वाला हूँ भाई। मार लड़कियां ऐसे आके करती हैं जिम के अंदर। तो आपकी शादीशुदा होने के बाद की एक्सरसाइज कर ली पूरी। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं द अनकॉमन जिम, डोमिनोज के ऊपर पड़ती है रामपुर के अंदर। तो आप जब भी आना चाहें तो अनकॉमन जिम डोमिनोज के ऊपर आ जाना, रामपुर में शबाग गेट से सीधा इधर को रास्ता गया वहां पर। आइए मेरे साथ जिम में आइए। तो गाइज आज हम आ गए हैं देखिए जिम के अंदर और बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इनकी बॉडी, ये सब स्टेरॉइड का कमाल है। ये कहाँ है इंजेक्शन, कहाँ है इंजेक्शन? सालिम भाई, सालिम भाई की बॉडी देखिए, दिखाइए भाई बॉडी दिखाइए। ये देखिए सब इंजेक्शन का खेल है, ये सब जिंदा। खुलासा आज जिम में खुलासा करूंगा, बना वीडियो। बॉडी बनना आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है, मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, बहुत सारी डाइट लगती है और लगता है एक इंजेक्शन यहाँ पे। आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये इंजेक्शन का निशान, ये है स्टेरॉइड। खुलासा है जिंदा यूट्यूब के अंदर, पहली बार यूट्यूब पे खुलासा कर रहा है कोई। ये देखिए यहाँ आइए, ये देखिए ये लौंडे बहुत खुश थे। मैं जिम में आके इनकी बॉडियां दिखाऊंगा, लेकिन मैंने खुलासा कर दिया स्टेरॉइडों का। ये स्टेरॉइड नहीं है, देखो ये स्टेरॉइड नहीं है, हल्का सा ये, कुछ लिया नहीं है, ये हाल है। इसको कहते हैं साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। मेरी तरह नेचुरल बनाइए, नेचुरल बॉडी दिखाता हूँ, कम ऑन विद मी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हर बार स्टेरॉइड असर नहीं भी करती है। ये देखिए इस बॉडी पर स्टेरॉइड ने असर नहीं किया है। तुम मक्खन मलाई, ये देखिए दूसरा एग्जांपल स्टेरॉइड असर ना करने का। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि इस बंदे पर डाइट ने भी असर नहीं किया, स्टेरॉइड ने भी असर नहीं किया, हैवी वर्कआउट ने भी असर नहीं किया। इसलिए कुछ गलतियां नहीं करनी है, वो इनसे देख के बताऊंगा। स्टेरॉइड से बचिए, नेचुरल डाइट से बचिए। ये देखिए एक दूसरा एग्जांपल, मार्क नहीं दिखाऊंगा, निशान नहीं दिखाऊंगा। ये ईटेबल स्टेरॉइड है, इसे खा सकते हैं, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगा। लो भाई छुपा लो, मलिक भाई ब्लॉग में आ जाओ, हमारे व्यूज आ जाएंगे। ये देखिए मलिक भाई से मिलिए, हमारे भाई आप इनके फैन होंगे जरूर, दुबई से आए हुए इस वक्त। और इनको जादू दिखा रहे थे अभी, कोई कौन सा जादू अभी मैं भागे कुछ, वो जादू थोड़ी था, वो स्टेरॉइड का नाम छुपा रहे थे, स्टेरॉइड लगा रहे हैं लोग। ये माइक है, ये किसका मतलब, ये आवाज के काम आता है, बोलने काम आता है। हेलो उधर से हेलो थोड़ी बोला कोई। ये शवेश भाई हैं, रोहान भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आज आप बेंच प्रेस मारिए 10x10 करिए आप। 10x10 मतलब क्या होता है? 10x10 मतलब आप 10 सेट करिए। मैं का सवाल नहीं करूंगा। 10x10 मतलब आप 10 सेट मारिए, 10 सेट मारो और हर सेट में 10 रैप। अच्छा, यानी कि 100 रैप तो एक ही बेंच प्रेस पे बस? हाँ बेंच प्रेस पे पूरा वर्कआउट। तो बेंच ना, फिर उसके बाद और बताएंगे आपको। तो ऐसा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे। ना 2-3 घंटे क्यों लगेंगे, हर सेट में 1 मिनट का रेस्ट बस। अच्छा, जल्दी जल्दी करना है, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बेंच पीआर आपका अच्छा हो जाएगा। और वो कहां है सिरिंज का है? और ये देखिए ये बैक का वर्कआउट चल रहा है यहाँ पर, और ये किस तरह गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। दिस फॉर्म इज रॉन्ग, ऐसे पकड़ते हैं और मेरा चेस्ट का वर्कआउट है। अरे चाय कौन लाया जिम में, ठंडी चाय किसकी है? प्रोटीन है। ए, तुम पी रहे हो प्रोटीन? असर क्यों नहीं कर रहा है? कमान अब थोड़ी एनर्जी लेके आइए, वार्म अप करेंगे पहले। यहाँ गिर जाता मैं अटक के। सिर्फ 12 मारता हूँ अक्सर मैं, लेकिन वीडियो के चक्कर में 20 मार दिए। तो पहला सेट हम लगाएंगे बेंच प्रेस, जैसे मैंने बताया था 10-10 की प्लेट लेके पहला सेट है, इसलिए आइए। एक सेट तो यही हो गया यहाँ से वहां तक लाने का। खैर मगर आपको हु करना बहुत जरूरी है, तभी आपको जोश आता है। बेवजह चीखना है आपको जिम में। तो गाइस पहला सेट, और ये जो मैं चीख रहा था बेवजह फर्जी ड्रामा था मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये लौंडे देख रहे हो, ये सेट मारते हैं 3, ए करते हैं 4 बार। ए रुहान भाई ए करो, ये होता है एक्शन। जिम में बच्चे ना आए, ये हमारा कैमरामैन है, कुछ कहना चाहते हो?
आरिश लिफ्ट्स के नाम से चैनल है, वो अकाउंट है, फॉलो कर लिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ वो गलतियाँ जो हम अक्सर जिम के अंदर करते हैं और जिनकी वजह से हमारी बॉडी नहीं बन पाती। पहली गलती ये, देखिए ऐसे सेट बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। ये देखिए, ये जो भी जितना जैसे भी कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ अलग कर लो, ख़राब कर लो, ऐसा मत करो। देखो इन बेचारे की कहाँ बन रही है बॉडी, देखिए हमारा क्या कह रहे हो, कुछ कह रहा हो क्या? अगर जो भी कह रहा हूँ माइक में कहो। नहीं भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, आपसे बहुत डर लगता है। बिल्कुल वो नहीं करना। अच्छा मुझसे बिल्कुल पंगा लेने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ठीक है माइक में बोलो, माइक में बोलो। नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, आपसे कुछ कह सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। ट्रेनर बॉडी बनाई है, ट्रेनर बॉडी बनाई है। हाँ अगर कोई भी अकड़े मुझे इस जिम में, कोई भी मुझ पे अकड़े अगर, तो माइक में आके अकड़ना, आवाज नहीं आएगी भाई ब्लॉग में। भाई साहब कॉन्टेंट रह जाएगा मेरा। कोई भी अकड़े प्लीज माइक में आके अकड़िएगा, अदरवाइज मेरे पास एक दूसरा माइक है उसमें अकड़ दीजिएगा। कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट बड़ी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा होने के बाद की एक्सरसाइज है। आपका बच्चा हो जाए तो आप उसको ऐसे ही हवा में झुलाते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज है। इस तरह से करनी है आपको। ये देखिए बच्चा कहेगा पापा पापा, ये देखिए आप उछाल रहे हैं बच्चे को। ये देखिए बहुत बढ़िया सालिम भाई। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है। बन जाएगी भाई, बन जाएगी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बन जाएगी। हाँ दो चार दिन बाद लड़कियाँ ऐसे आके करती हैं जिम के अंदर, जैसे ये लौंडा कर रहा है। लौंडी आया क्या तू इंस्टाग्राम की? इस तरह की होती हैं जिम के अंदर, मारती हैं 10-10 किलो और कमर में बेल्ट बांध लेती हैं, जैसे मार रही हैं 2-2 क्विंटल। अरे तुम कम से कम 2 क्विंटल तो मार रहे हो। हाँ, ये है। लोग भी इस जिम में आना चाहें, नाम है अनकॉमन जिम, डोमिनोज के ऊपर शबाद गेट से जब सिविलाइज की तरफ बढ़ेंगे तो पड़ जाता है रास्ते में। और काफ़ी बड़ा जिम है, काफ़ी सारी मशीन्स हैं और वगैरह वगैरह बातें हैं, चीज़ें हैं। और फिलहाल मैं ज़रा सेट लगाया हुआ ना तो भी हाँफा हुआ हूँ। पता है आपको एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, छोटी मोटी जिम नहीं है भाई। ये देखिए ये बटन दबाएंगे तो गेट खुलेगा, और इधर से छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई। ये देखो ये बंद हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। अब इसमें अंगूठा लगाएंगे ऐसे, हैं ट्राई अगेन। अरे हाँ मेरा लगा हुआ नहीं अंगूठा, मैंने फीस जमा नहीं करी है। अरे भैया हाँ सालिम भाई मैं बंद हो गया। वो मना कर रहे हैं, कह रहा तुम्हारा हाथ नहीं लगा हुआ है, कह रहा तुम्हारा अंगूठा नहीं लगा हुआ, तुमने फीस जमा नहीं करी है। लाइट वेट बेबी, आप इतना हैवी कभी ना मारना। ये बड़े लाइट वेट, चलो फिर काटना पड़ेगा मुझे। एडिटिंग क्यों बढ़ा रहा है मेरी? ठीक है ये 20 किलो आप ऐसे उठाइए सर, रानों पे रखिए अपनी। अब हाँफ गया मैं उसे उठाने उठाने में, सेट क्या मारूंगा। हे हे वाह, चलो आर ट्रिप्स निकाले। आज कुछ खाया नहीं है इस वजह से आज ज्यादा ताकत है। खाता हूँ तो और नहीं होती है ताकत, खा के हराम डेली आ जाती है मेरे अंदर। आप जब जिम 2 दिन आते हैं उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद से क्या करने लगते हैं मैं दिखाऊं आपको। अच्छा आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि फोटो खींच रहा है जिम में, मुस्कुराहट ऐसी रही, शादी हुई हुई है, चेहरे पे फोटो खिंचवा रहे हैं। अब थोड़ा अग्रेशन दिखाओ, थोड़ा कि जिम में हो। ठीक है क्या इसने पैसे लिए मेरी बेइज्जती करने के? फ्री में करूँगा, फ्री में करूँगा, पैसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे। बाइसेप दिखाइए, बाइसेप दिखाइए भाई। अरे कम ऑन भाई, अब बाइसेप दिखाइए, बाइसेप अरे है तो है वही है। बहुत कीमती चीज आज मैं गिव अवे करने वाला हूँ आज के इस कॉम्पिटिशन में, पंजा लड़ाने का कॉम्पिटिशन चैलेंज दे रहा हूँ गाइस। जीतने वाले को दोजख मिलेगी यानी कि हेल मिलेगी। आइए कौन कौन लड़ा सकता है पंजा। देखिए मैं आउट ऑफ कैटेगरी हूँ, इन लोग की कैटेगरी में नहीं आता हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा अलग हिसाब। फिर भी मुझसे कोई लड़ाना चाहे, चलो शेर उतार रहे हो अपना? नहीं हम नहीं उतार। चलो आओ 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 आओ, चलो आओ। रेडी रेडी गो। अरे आपको बता रहा हूँ बेन, रोटेट कर दूंगा वीडियो को, इधर गिरेगा पंजा। चलो मैं तो हार चुका हूँ गाइस, लेकिन मैं फिर भी गर्व करता हूँ। ये हेल्प तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि अभी हम असली कॉम्पिटिशन कराएंगे तुमसे, जो तुम जीते अब तुमसे कोई लड़ेगा। आओ भाई हम आदि आदि पी लेंगे। तो ये तुमने अपना चीता उतार दिया है? ये तो हेल चली गई है रेड वाले के पास,
तुम्हें हेल ले लो, हेल ले लो, ये हेल अभी तालियां। अब ये लड़ेंगे, फिर ये जो जीतेगा उसे मिलेगी, फिर उससे जो जीतेगा ये इसी तरह चलती रहेगी जिंदगी भर। ये किसी को नहीं मिलेगी, बाद में ये बाद में जिम के ओनर से कंपटीशन होगा और वो जीतेंगे, फ्रिज में वापस रख देंगे ओनर से। ठीक है, चलो कम ऑन, रेडी गो। अरे ये तो खोलने तक नहीं थी। ये हेल जाती है इनके पास, तालियां बजाइए। लेकिन 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 अब मैं मार्केट में अपना चीता उतार रहा हूँ। नदीम चीता, आइए नदीम दिखाता हूँ आपको। चैलेंज कर दिया गया है पंजे का मेरे भाई को। चलो कम ऑन, इससे कम ऑन। और ये मार्केट में सपोर्टर्स उतर आए हैं मार्केट में, ये देखिए इन लोग के पंजे के लिए। चलिए कम ऑन, कम ऑन, चैलेंज कर रहा है वीडियो के लिए। हेल का सवाल है, एक हेल का। रेडी भाई गो। अरे ये तो स्प्रिंग हो रहा है, ट्विंग हार गए। आएगा कौन मेरे चीते से पंजा लड़ाने? हेल इनके अभी भी, अभी हेल को अभी भी यही ओन करते हैं। आइए, क्या नाम है? कमलेश, कमलेश नाम है। चलो कम ऑन। अरे नफ पकड़ ली पूरी। चलिए कम ऑन, ग्रिप करिए भाई, बहुत खतरनाक है ये, घर पर ना करिए। दोनों कंफर्ट, कम ऑन, रेडी गो। अरे 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 रे भाई। अरे 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 भाई, ये भाई भाई मार्केट मार्केट में मेरा आप हार जीत उतरे मार्केट में। जब ये बात खराब हुई, फाइटर एंट्री आज विनर बन गया मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई है भाई। बंदे ने हेल जीत ली है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक आया बंदा। हमारा खिलाड़ी तीन खिलाड़ियों को हरा चुका था, लेकिन ये नॉन अब बनता भी है, बनता भी है। हेल्प को मैं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, मेरी बात खराब हो गई। आप कंपटीशन आ रहे, मैं लड़ लेता, डरता नहीं हूँ भाई, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ मैं। इंजरी हो गई है, हेल दे दो यारा। मतलब वो ऐसा है, मेरी बात खराब है यार, ये क्या यहाँ हाथ खराब हो गया, तुम्हारी बात खराब नहीं हो रही है। लेकिन बढ़िया था यार, बढ़िया था, बढ़िया था, मजा आया। तुम ही ले लेना, चलो लो 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 भाई, लो भाई ने, क्योंकि भाई एक प्रोफेशनल पंजा मैन है, पंजा और ये नॉन पंजा, तो हेल तो इन्हीं को जा रही है, लेकिन एक ये पंजा हो रहा है वार्म अप पंजा। कम ऑन, चलो चलो हो जाए, रेडी गजब। अरे लेकिन एक बार अजीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा लड़ा, अच्छा लड़ा। और एक बार हमारे शयान भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, तालियां है। चलिए, मैं इस तरह के चैलेंज मार्केट में लेकर आता रहता हूँ, इस मार्केट का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। ठीक है, तो कल एक और चैलेंज के साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि रोज रोज ये करूंगा तो हेले पिलाता रहूंगा, फिर मैं करवाऊंगा और काम ही चला जाएगा मुझे। तो गाइस ये था पंजा, आगे बढ़ते हैं जिम में अपना वर्कआउट करने के लिए। जस्ट गो लाइक दिस, और अब मैं दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे साथ। ये देखिए, नग्न अवस्था में पकड़ लिया मैंने, नग्न अवस्था में बॉडी दिखा दो आप, भाई को पकड़ लिया मैंने, मारिए। ये आपके ट्राइसेप को जो है ये पंप देगा, ये सेट, ये देखिए पंप दे गया, वो रोक ली उसने, फट जाती बॉडी, पकड़ ले गिर जाएगी बॉडी, गिर जाएगी। ये लड़का हमने रखा हुआ है जिम में कि आपको दिखाना है कि बिफोर ये होगा और आफ्टर ये होगा। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर के लिए, बिफोर आफ्टर, जिम के पहले ये होते हैं आप, जिम के बाद ये होते हैं। मारो भाई सेट मारो। मैं तो पॉकेट मारना है। अरे भाई क्या बात, क्या बाइसेप मारने जा रहा हूं, क्या बात, मार जा बात, क्या बात, क्या बात भाई, क्या बात, अकल किस बात पे रहा भाई, डंबल मार दूंगा, मार देगा तू, डंबल मार देगा तू, डंबल
डंबल मार दूंगा, मार देगा तू, मार दूं, मार दे, मार दे, मार, बढ़िया, सही मार रहा है, बढ़िया, सही मार रहा है, सही मार रहा है, सही मार रहा है। भाई सीधी सी बात कह रहा हूँ, जब लड़ने का दम नहीं है तो यहाँ रामपुर में आकर लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। एक एक लोंडा बदमाश है यहाँ पे। एक अच्छा, ये वाला एक एक लोंडा बदमाश है। तुझे लड़वाऊंगा मैं कल को, तू हंसेगा, हंसेगा तू, नदीम कस्तार के पास छोड़ दूंगा। एक एक लोंडा बदमाश, ये ऐसा बदमाश है, इसे कोई भी गरिया देता है। तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, लड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है भाई। वही किससे है, अगर पता चल जाता तो सही रहता। नहीं पता किससे हुई है, अरे मार लेंगे जो भी होगा, कोई मारेंगे भाई, कोई जरूरत नहीं है। किससे हुई है क्या मतलब होता है, किससे बाद में हुई, किससे हुई है क्या मतलब होता है, मुझसे भाई, किससे मार इसको, मार, अरे इससे तो पुरानी थी, चीता बोल रहे हैं। ओके गाइज, तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। वर्कआउट डन हो चुका है, मैंने खास वर्कआउट नहीं किया आज क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर में रह गया। कोई बात नहीं, जिंदगी में किसी कोई दिन ऐसा आता है। तो अभी हम सब लोग जा चुके हैं जिम से, जिम खाली हो चुका है, सब लोग उधर हैं, बस निकल रहे हैं, मैं भी निकलने वाला हूं, और हमारा भाई और मैं साथ आते हैं जिम में, तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। कैसा रहा वर्कआउट आज का? बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या, अरे गले नहीं मिल रहे, मैं करीब ला रहा हूं। बहुत शानदार। कैसा, क्या मारा आज? मैंने आज बैक। अच्छा, ठीक है, तो बैक मारी इन्होंने आज, और बस अब प्रोटीन पीकर निकलते हैं यहाँ से। गाइस लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपना पियो जाके। सालिम भाई आपको मिलेंगे अक्सर जिम में, अगर आपको अनकॉमन जिम आना है तो भाई से मिलके आ सकते हैं। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे, हड्डा बहुत पैसा है रामपुर के अंदर इस जिम में, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, वो ये बताएंगे, लेकिन यहाँ वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आगे जाके इनका इरादा बदल गया तो बात पे रहना पड़ेगा, तो वीडियो में कोई बात नहीं बोलेंगे। तो जो जो मैंने कहा है सब सच बात है, बिल्कुल सही है। आप विजिट करें एक बार अनकॉमन आके, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल डिस्काउंट। चीता बोल रहे, शेर बोल रहे, मछली की तरह कापेगा अगर जिम आएगा इस वाली में तो, ठीक है। तो अनकॉमन जिम एक बार दिखा दो, ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में।